हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनाज फूड वर्ल्ड। मैं सपना लोढ़ा। फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ गई हैं और इसी के साथ मार्केट में आंवले भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और आप जानते ही हैं, आंवले में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है और भी काफ़ी फायदे होते हैं इस आंवले के। तो चलिए आज हम बनाएंगे आंवले के गुणों से भरपूर बहुत ही टेस्टी ऐसे शरबत यानी स्क्वैश की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो आंवले का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बड़े वाले आंवले लिए हैं, जिसे मैंने धोकर अच्छे से ड्राई कर लिए हैं। और इस प्रकार का शरबत बनाने के लिए हमें फ्रेश और बड़े आंवलों की ज़रूरत होती है। तो अब एक कुकर में लेंगे एक कप पानी और इसमें हम सभी आंवलों को डालकर ढक्कन लगाकर इसकी एक सीटी लगाकर ले लेंगे। हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस एक सीटी हो जाए तब तक कुक करेंगे। कुक होने के बाद इसे मैंने ठंडा कर लिया है, तो अब इसके हम टुकड़े कर ले लेते हैं। तो इसी प्रकार हमें सभी आंवलों को बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। और इस तरह से आंवलों को बॉईल करने से आंवला का जो ये शरबत है वो काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है। तो सभी आंवलों को मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे एक मिक्सी के जार में ले लेंगे और इसकी हम एक फाइन प्यूरे बनाकर ले लेंगे। हमें इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बनाते हैं शरबत। तो इसके लिए गैस पर मैंने एक हेवी बॉटम वाला पैन लिया है और इसमें मैंने ली है 250 ग्राम चीनी। अब इसमें हम चीनी डूबे इतना ही पानी मिलाएंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉईल करके ले लेंगे। यहाँ पर मैंने चीनी यूज़ की है। आप इस शरबत को हेल्दी बनाने के लिए जो खड़ी शक्कर आती है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मेल्ट करके ले लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो शरबत है वो बहुत ही गुणकारी है। आप जो रोज़ एक गिलास ये शरबत पियो तो साल भर की विटामिन सी आपको मिल जाती है। और सर्दियों में इस तरह से आंवला खाने से ये हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो अब इसमें मिलाते हैं आंवले का प्यूरे और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। आंवला मिलाने के बाद इसे हमें अच्छे से कुक कर लेना है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक करके ले लेंगे। हमें इसे ज़्यादा भी कुक नहीं करना है। जैसे हम गुलाब जाम के लिए चाशनी बनाते हैं ना, वैसे ही हाथों में चिकास लग जाए इतना ही हम इसे कुक करेंगे। इससे जो शरबत है वो टेस्टी भी बनेगा और काफ़ी टाइम तक ये ख़राब भी नहीं होगा। 5 मिनट के बाद इसमें मिलाते हैं 1 टीस्पून सादा नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। और मसालों को मिक्स करने के बाद बस इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करके ले लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं शरबत को अच्छे से चिकास पकड़ गई है। तो शरबत बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम को करेंगे बंद। जब तक हमारा शरबत ठंडा हो रहा है तब तक हम 2 बड़े साइज के नींबू ले लेंगे और इसे हम कट कर इसका हम जूस निकाल कर ले लेंगे। तो यहाँ पर नींबू का रस निकाल कर तैयार है और शरबत भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसमें हम मिलाएंगे नींबू का रस और इसे मिक्स करके ले लेंगे। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके ले लेंगे। तो बहुत ही यम्मी, टेस्टी और बहुत ही गुणकारी ऐसे आंवले का स्क्वैश यानी शरबत बनकर तैयार है। आप इसे फ्रीज में 1 साल भर के लिए और फ्रीज के बाहर 3 से 4 महीने तक बड़ी आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टरलाइज की हुई बॉटल ली है। अब इसी बॉटल में हम इस शरबत को भर देंगे और इसे स्टोर करके रख देंगे। अब इसी आंवले के सिरप से हम बनाएंगे आंवले का शरबत। तो यहाँ पर एक गिलास में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून आंवले का सिरप लिया है। अब इसमें मिलाएंगे 1 गिलास ठंडा पानी। आप इस जगह पर सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंवले का शरबत बनकर तैयार है। तो इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ,
आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।